टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनीग्रा है और आज हम ये कोटी का स्टिचिंग देखेंगे। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने इसका कटिंग देखा है और इसका जो टॉप है उसका भी कटिंग और स्टिचिंग देख लिया है। तो अब इसका सिर्फ स्टिचिंग बाकी है, तो ये देख लेते हैं। और इसका स्टिचिंग बहुत ही आसान है। देखिए, ये पीछे की बैक साइड है, तो 1 इंच हमने यहाँ से इसको मोड़ने के लिए रखा है। तो सबसे पहले इसको ही मोड़ लेते हैं हम पीछे की साइड को। देखिए, यहाँ से ऐसे मोड़ देना है इसको। पीछे का पार्ट मुड़ जाने के बाद ये आगे का जो राउंड वाला पार्ट है हमारा, उसको भी मोड़ देना है। अभी पीछे का साइड में रख देते हैं। ये आगे का पार्ट है, ये वाला गला है जो हमने कटिंग किया था बड़ा, तो इसको एक ही बार में नहीं मोड़ पाएंगे हम। तो पहले ये आधा फोल्ड सिंगल टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे राउंड है। अगर सीधा होता स्ट्रेट तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन राउंड में इसको मोड़ना है। इसके लिए देखिए, ये एक उंगली यहाँ पे रखनी है और एक उंगली से धीरे धीरे थोड़ा सा राउंड शेप देते जाना है। और एक जितना ही मुड़ना चाहिए राउंड में भी, कम ज़्यादा मुड़ जाएगा तो राउंड का शेप बिगड़ सकता है। और ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा लूज रखते जाना पड़ेगा, नहीं तो राउंड बड़ा भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एक साइड कर लिया हमने, वैसे ही सेम दूसरी साइड भी इसको मोड़ देना है। ये एक बार मुड़ जाने के बाद वापस से दूसरी बार भी सेम वैसे ही करके हमें मोड़ देना है इसको। देखिए, ये दूसरी बार, तो ये थोड़े अच्छे फिनिशिंग से बन पाएगा। और एक जितना ही कपड़ा मुड़ना चाहिए वो खास ध्यान रखना है। और आप चाहे तो पीछे से यहाँ से राउंड में हाथ रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इसको मोड़ते भी जाना है और पीछे हाथ रखना है वो थोड़ा। तो कोई नहीं, पीछे हाथ नहीं रखेंगे तो, लेकिन ये कपड़ा ऊपर का थोड़ा सा भी खींचना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। खास करके ऊपर का कपड़ा लूज छोड़ते जाएंगे, कहीं प्लीट आती है राउंड शेप में तो ले लेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, तो ही बैठेगा, बाकी नहीं बैठेगा ये राउंड थोड़ा। तो ये देखिए, एक साइड हो गया है, वैसे ही सेम इसमें भी कर लेना है। अब ये आगे के और पीछे का पार्ट मुड़ जाने के बाद हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। देखिए, ये पीछे का पार्ट है और शोल्डर में जैसे हम ब्लाउज में कवर करते हैं वैसे ही इसमें भी कवर कर लेना है। यहाँ से इसके पहले मैंने ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो बहुत सारे वैसे तो डाले हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि ये कैसे कवर करते हैं। फिर भी इसमें भी हम कर लेते हैं शोल्डर कवर, उसमें डिटेल में मैंने बताया है कैसे करना है, इसमें करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये एकदम हल्की थोड़ी सी सिलाई लेनी है और उसके बाद आधा इंच से वापस थोड़ी कम सिलाई लेके शोल्डर दबा देना है। और फिर इसमें डबल सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद अब हमें ये आगे पीछे का दोनों गला बना लेना है और उसमें उरेप पट्टी लगा देनी है। हमने टॉप में कटिंग करने के लिए इसमें से वो पाइपिंग करने के लिए हमने इसमें से कटिंग की थी उरेप पट्टी, तो यहाँ पे ये उरेप कटिंग किया हुआ ही है, तो इसमें से हम गले की पट्टी काट लेते हैं।
ये क्रॉस पट्टी हमने 1.5 इंच की कटिंग कर ली है। अब जैसे ब्लाउज में हम क्रॉस पट्टी उरेप पट्टी से गला बनाते हैं, वैसे ही इसमें गला बनाना है। देखिए इसमें कैनवास डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये कोटी है और फिर इसमें ऊपर से लेस अभी लगानी है गला बन जाने के बाद, तो कैनवास नहीं डालेंगे तो चलेगा इसमें। वैसे कोटी में कैनवास नहीं डालते हैं बहुत, कोई कोई ऐसी होती है डिज़ाइन तो ही डालना पड़ता है। ये पट्टी लग जाने के बाद ये राउंड में कट लगा के फिर इसको जैसे ब्लाउज में मोड़ते हैं वैसे ही मोड़ देना है बस। ये पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक आगे और पीछे दोनों साइड पूरा गला मोड़ देना है। ऐसे ये पूरा पट्टी मुड़ जाने के बाद इसमें जो पीछे से बचा है उसको कटिंग कर देना है। ये कटिंग हो जाने के बाद पूरा इसमें पक्का सिलाई ही लगा देना है, क्योंकि इसमें हमें ऊपर से लेस लगानी है तो ये सिलाई उसके नीचे आ जाएगी। बाकी कोटी में वैसे भी ज़्यादातर तो सिलाई ही आती है पक्की, और यहाँ पर भी हमारी लेस लग जाएगी तो हमने वहाँ पर भी सिलाई ही लगाई हुई है। तो ये पूरे गले में ऐसे पक्की सिलाई लगा देनी है। तो ये गला बन के रेडी हो गया है। अब ये गला गले में जैसे हमने ये क्रॉस पट्टी लगाई है उरेप, वैसे ही ये दोनों आर्मोल पे भी लगा के ऐसे पक्की सिलाई लगा देनी है। देखिए तो ये आर्मोल में भी हमने उरेप पट्टी लगा ली है। अब इतना काम हो जाने के बाद हमें इसमें प्रेस लगा देनी है, ताकि यहाँ पे जो क्रीज हमें दिख रही है सब जगह पे वो निकल जाए। और यहाँ से भी ये थोड़ा कपड़ा राउंड में हमने बैठाया है तो बराबर उठ गया है थोड़ा सा, तो इसको प्रेस लगाने से एकदम ये व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसमें सब में एक बार प्रेस लगा लेनी है। तो इसमें प्रेस लग जाने के बाद हमें इसमें ये वाली जो मैंने कटिंग के टाइम बताई थी वो ये वाली लेस लगानी है सब जगह पे। तो लेस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ आगे के पार्ट से, नीचे से, और हमको एकदम यहाँ से नहीं लगानी है, थोड़ी इतनी दूर से लगाएंगे तो यहाँ पाइपिंग जैसा दिखेगा कि पाइपिंग की हुई है, तो अलग से हमें पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको लगाना। और अलग अलग शेप में लेसिस कैसे बैठाते हैं, राउंड में, स्क्वायर, पंचकोण, उसका एक वीडियो मेरा बनाया हुआ ही है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे राउंड आ रहा है, तो इसमें अभी लेस को यहाँ से ही हमें थोड़ी सी प्लीट लेनी है। देखिए लेस में बीच में से हम इसमें नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी प्लीट लेनी पड़ेगी, वो मैंने राउंड नेक के वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ से भी ध्यान रखना है कि वो नहीं हो जाए कम ज़्यादा। तो अब दूसरी साइड हम जब करेंगे तो इसमें यहाँ पे ऐसे प्लीट बराबर आ जाएगी। तो हमने ये एक मार्किंग कर लिया है कि यहाँ पे ही प्लीट लेनी है, बाकी कहीं और चली जाती तो ये इसका जो मिरर है उसका शो बिगड़ जाता है। इसके लिए उसका स्पेसिफिक जहाँ पे जगह आती है वहीं लेनी है। अब यहाँ पे कॉर्नर आया है, तो कॉर्नर पे हमको कैसे कॉर्नर निकालने हैं वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा और इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं हम। और हम रेगुलर बनाते हैं तो हमको इसमें अंदाजा आ जाता है कि ये इतना ही परफेक्ट होगा, तो हर बार अगर ज़रूरत पड़े वहीं हमें इसमें मार्किंग करना है, बाकी सब जगह पे नहीं करना है।
और इसको फिर कॉर्नर निकाल के डायरेक्ट यहीं से आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे हमको प्लीट लेनी पड़ेगी, तो इसमें भी हम ये मिरर की जो डिज़ाइन है उसी के हिसाब से प्लीट लेंगे। ये बीच में से ही प्लीट लेनी है, इसमें मिरर है इसके लिए। तो इसकी डिज़ाइन थोड़ी, ये वाला मिरर एक तो पूरा आएगा, बाकी दोनों मिरर आधे अधूरे आते हैं, इसके लिए ये ध्यान रखते जाना है। देखिए ये आगे के गले से लेके डायरेक्ट फिर हमें पीछे के गले में भी, ये नीचे से लेके मतलब पूरे गले तक ये कंटिन्यूस सिंगल लेस ही लग जाएगी, तो ये ज़्यादा अच्छी दिखती है। और टुकड़े टुकड़े लगाएंगे तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन तो उसमें पहले अलग अलग गला सब बना लेना पड़ता है और उसके बाद लेस लगानी होती है। तो एक एक गला बनते जाए वैसे एक एक लेस लगाते जाएंगे अगर टुकड़े में है तो, अगर पूरी लेस है तो ऐसे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए आधे तक हमने मैंने लगा के आपको दिखा दी है, अब और आधे में भी वैसे ही सेम लगा देनी है लास्ट तक। तो ये एक साइड लग जाने के बाद अब हमें यहाँ से दूसरी साइड वापस सिलाई लगा देनी है और लेस को प्रॉपर शेप में बैठा देना है। देखिए यहाँ से तो सीधा ही है, फिर यहाँ से जहाँ से राउंड आ रहा है वहाँ से हमको ये प्लीट्स लेते जानी पड़ेगी। देखिए एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे, इसमें हम इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर ऊपर प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाने जाएंगे तो ये कलर अलग हो जाएगा और इसमें भी मिरर में भी छेद हो जाएंगे तो उसमें अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए सीधा ही रखना है, उसमें सिलाई नहीं लगानी है। देखिए और यहाँ पर भी ये राउंड है हमारा दिया हुआ, तो इसमें भी हमने पहले से प्लेट लगा के रखी है। और यहाँ पे एक कपड़े में क्रीज नहीं आ जाए उसका ध्यान रखते जाना है और लगाते जानी है लेस। देखिए तो ये ऐसे ही पूरी लेस में सिलाई लगा देनी है दूसरी। ये आगे के पार्ट में और गले में लेस लग जाने के बाद यहाँ नीचे पर भी पीछे की साइड में सीधा ही है जहाँ कपड़ा, वहाँ पर भी एक बार आगे जैसे लगाई है वैसे ही पाइपिंग दिखे वैसे लेस लगा देनी है। देखिए ऐसे सारी लेस लग जाने के बाद अब हमको इसको साइड में फिटिंग कर देना है और जो हमने कटिंग के टाइम ये मार्किंग किया था उसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इसमें कुछ नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये मार्किंग के ऊपर ही लगा देनी है। लेकिन हमने पीछे की साइड इसमें टक्स नहीं लिए हैं और टॉप में टक्स लिए थे तो उसमें टक्स का हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो पहले ये मार्किंग के ऊपर लगा लेते हैं सिलाई और उसके बाद देखिए यहाँ से भी ज़्यादा क्रॉस आ रहा है तो इसमें ज़्यादा क्रॉस नहीं लेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से थोड़ा ओपन रहेगा तो भी थोड़ा दूर ऐसे सेप आ जाएगा तो भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम टाइट कर देते हैं इसको कमर के नीचे के पार्ट से, ये यहाँ पे एक इंच जितना हमने यहाँ से टाइट कर दिया है। और ये मार्जिन का कपड़ा अंदर रखना है, अगर कभी ज़्यादा टाइट लगे या दूर आ जाए दोनों पार्ट्स तो उसको हम खोल के कर सके लूज़। तो इसमें भी हमने जैसे टॉप में लिया था वैसे ही दो तीन सिलाई लगा देनी है बस, और यहाँ पे एक सिलाई वापस पीछे से लगा देंगे हम जो हमने टक्स नहीं लिया है उसका आधा इंच सिलाई में दबाना पड़ेगा हमको। तो ये देखिए तीन सिलाई लग जाने के बाद
कमर में आता ही ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पे टक्स हमने नहीं लिया है इसलिए। देखिए, और फिर इसको नीचे मिला देना है वापस। तो ये एक साइड हो गई सिलाई, और इसी हिसाब से हमें यहाँ दूसरी साइड भी सिलाई ले लेनी है। देखिए, इसमें भी हमने 1 इंच यहाँ पे टाइट कर दिया, और आप चाहें तो डायरेक्ट ही ये टक्स का इधर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगानी है आपको। तो देखिए ऐसे, और फिर इसको ये यहाँ मिला देना है वापस। और ये स्टिचिंग की सिलाई लेते वक्त ये ऊपर का नीचे का दोनों पार्ट एक जितना रहना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फिटिंग, वैसे तो कोटी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ड्रेस होता है तो उसमें फिटिंग बराबर नहीं आता है, कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, तो एक मैंने दोरी बना ली है, और इसकी अब हमको ऐसे लूप बना लेनी है। और दोरी कैसे बनाते हैं उसका कोई वीडियो अभी तक है नहीं हमारा, तो वो जल्दी थोड़े टाइम में मैं बना दूंगा कि दोरी के कैसे बनाते हैं एक जैसी अलग अलग टाइप की। तो यहाँ पे टाँका लगा देंगे तो भी हो जाएगा। ये लूप बन गई है, और हमको इसमें ये बटन लगाना है। तो ये बटन पास हो जाए उतना गैप रखना है इसमें, देखिए बराबर है। और आप जो साइड बटन लगाना चाहते हैं उसके सामने की साइड इसमें ये लूप ही लगा दें, तो हम इस साइड लगा देते हैं। ये बटन सिर्फ पास हो जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बटन से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा लगे तो यहाँ पे हाथ रख के एक बार देख लेना है। देखिए, ये इसमें से नहीं होगा पास, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। और इसमें जो हमने सिलाई ली हुई होती है जॉइंट की, वो पीछे की साइड चली जाए वैसे रखना है। तो इसको यहाँ हम लगा देते हैं टाँका लगा के। देखिए, एक लग गई। अब हमें इसको पीछे से भी थोड़ा सा फिनिशिंग करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ बाहर से टाँका लगा देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ दोरी का है पार्ट उसको हम कटिंग कर देंगे। और ये एक लेस के एकदम नीचे हम सिलाई ले रहे हैं, तो ये सिलाई नहीं दिखेगी। या फिर आप लेस का मैचिंग धागा चढ़ा के लेस के ऊपर भी ऐसे टाँका लगा सकते हैं, तो भी नहीं दिखेगा, मतलब ये दिखे नहीं वैसे लगाना है टाँका लगाए तो। देखिए, तो ये कहीं टाँका दिखेगा नहीं हमारा, और ये इतना एक्स्ट्रा रह गया लूपी का। तो कभी लूपी हमको छोटी बड़ी करनी पड़े किसी कस्टमर को, तो वो कर सकते हैं। और ये लूपी लग जाने के बाद इसके सामने यहाँ पे बटन रख के देख लेना है, तो उसी के सामने ये बटन लगा देना है यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी ये कोटी और पूरा टॉप ऊपर का दोनों बन के रेडी हो गए हैं, और ये बन के कुछ ऐसा दिखता है आगे से, और पीछे की साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो ज़्यादा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।